हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं रात से। ये नहीं कि कोई जिन आ गया, ये बात नहीं है, ये खुशी की बात है कि इस टाइम हमें मजबूर होकर व्लॉग बनाना पड़ रहा है। वो इसीलिए कि मैंने आपको बताया था ना कि जब ये अंडा देता है या फिर बच्चा निकलता है तो जब आसिफ आते हैं ना बिल्डिंग से, ये कब से खामोश है। जैसे ही आसिफ आए तो आपको आवाजें आ रही होंगी। ये कॉकटेल इतना शोर डाल रहा है, बहुत शोर डाल रहा है। सुनिएगा दोस्तों, सुनिए, बताओ ना, हमें लग रहा है ठंडा ले। आवाज सुनने, इसकी आवाज ये इधर ऊपर ऊपर है पिंजरा ना, और ये कब से कंटिन्यू चीख रहा है, कब से शोर डाल रहा है। मैं भी देखने आई हूँ इसको। ये व्लॉग इसलिए बना रहे हैं कि आपको बुशरा अक्सर बोलती है कि ये जब अंडा देता है तो ये बताता है कि मैंने अंडा दिया। आप हमारे पीछे व्लॉग में देख सकते हैं कि हम सच बोलते हैं। जैसा बोला आज पूरा होता है, वो हम आपको दिखाएंगे। ये चीख रहा है कब से, ये देखें, आई आपका आवाज, ये साइन दे रहा है कि मैंने अंडा दे दिया। मिट्टू क्या हुआ, क्या हुआ मिट्टू? मिट्टू बहुत हैप्पी है, मिट्टू ने नया अंडा दिया है। कैसे तो नहीं होता है, मिट्टू ने नहीं, मिट्टी ने, मिट्टी ने अंडा दिया। देखते हैं मिट्टू, ये इसकी खुशी का इजहार है फ्रेंड्स। ये हमें बता रहा है, हमें यूं बताता है। वो देखे, ये अंदर बैठ गई है, वरना ये रोज रात को दोनों बाहर होते हैं। वरना अगर ये अंडा नहीं दिया होता, मैं बॉक्स खोलता तो ये फौरन बाहर भाग जाती। इट्स मीन के ये अंडा दे के बैठ गई अंडे पे। बुशरा इसको बंद करना। तो दोस्तों बस इतना सा आपको बताना था, तो मिलते हैं रात। नहीं नहीं, रात में बर्ड्स भी दिखा दो कि हमारे बर्ड्स रात में कैसे शांत होते हैं। ये देखिए कैसे आराम से बैठे हुए, कोई हलचल नहीं है। वो सिर्फ जिन तंग कर रहा था बस। जिन है, ये रहा जिन साहब। देखिए कितने सुकून से बैठे हैं। मिट्टू पता चल गया हमें, मुन्ना पता चल गया। बस दोस्तों मिलते हैं अब सुबह। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ छत पे, और आज मैं ही आपको विजिट करा देती हूँ इन परिंदों का, क्योंकि वहाँ पर मुझसे बाजरा गिर गया था जब हम सुबह सुबह छत पर आए मैं और आसिफ। तो मुझसे वो जो कोने पे लगाते नहीं है, वो वहाँ मुझसे बाजरा गिर गया, और जब बाजरा गिरा तो आसिफ गुस्से में आ गए, और गुस्से में आके चले गए। तो फिर व्लॉग तो नहीं बना, आसिफ नाराज़ होके चले गए। तो मैं ये सामने ही बस यहाँ बाजरा गिरा था, तो फिर मैं भी क्या कर सकती थी, फिर हमने व्लॉगिंग नहीं की। तो मैंने सोचा है कि आज आसिफ से शाम को मैं बदला लूँगी और उसको मैं मज़ा चखाऊँगी। उसने यूं किया ना, व्लॉगिंग तो बस अब एक हमारी जॉब है, हमने करनी करनी है। तो लेकिन वो गुस्से में आके चला गया, तो अब मैं शाम को करूँगी। और ये देखने के लिए आपने, आपको मैं अभी बता नहीं सकती कि मैं क्या करूँगी, ये आप शाम को देखिएगा कि मैं क्या करूँगी आसिफ के साथ। ठीक है, मैं अभी आपको परिंदे दिखाती हूँ। ये देखें, इनका मैंने खाना वाना सारा डाल दिया है, जावा। ये देखें, ये तो जावा हमारी, और ये वो पांच जावा, ये ऑस्ट्रेलियन के बेबी, और ये हमारे अल्बाइनो, और ये हमारी जावा। और आपको पता है जावा के बेबी बाहर आ गए। ये देखिए, एक ही यहाँ बैठा हुआ है, ये देखें। और ये हमारा कॉकटेल, और कॉकटेल दोनों पेयर बैठे हुए, और इन्होंने फिर अंडे दे दिए। आपको, आप वीडियो देख चुके हैं रात में। ये देखें, ये दो अंडे इन्होंने फिर दे दिए। हमने आपको रात को वीडियो दिखाई है कि वो रात को कितना चीख रहे थे, हमें साइन मिल गया था कि इन्होंने अंडा दे दिया है, और वैसा ही हुआ। हम आपको अक्सर बताते होते थे, कि ये जब आसिफ ड्यूटी से आते तो ये शोर करते हैं, या जब बेबी निकलता है या फिर अंडा देते। तो ये प्रूव हो गया, हमने आपको वीडियो में दिखाया रात वाली में, और अभी आपने एग्स भी देख लिए।
तो चले मिलते हैं फिर शाम को। मैं आज सिर्फ से शाम को बदला लूंगी और फिर आप देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। तो मिलते हैं शाम को, बाय। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ अपने नंद के घर, जो भाभी की होती है नंद, शोहर की बहन, उनके घर आई हूँ। आज से न्याल मुझे बहुत डांटा ना सुबह, तो अब मैंने सोचा कि आसिफ को मैं सीधा करूंगी अपनी नंद के साथ मिलके। ऐसा मत करो मेरी जान। और हम दोनों प्रैंक करेंगे और हम दोनों देखिएगा आपके हम क्या करते हैं। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन आज मैं आसिफ को नहीं छोड़ूंगी, बहुत तंग करता है मुझे। तो चलते हैं घर। तो ये मैं आपको मिलाती हूँ अपनी नंद से, तो आप मेरा साथ दोगी ना? नहीं। जी जरूर। आपने मेरा पूरा पूरा साथ देना है, आज को पता न चले कि हम प्रैंक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, आसिफ के ड्यूटी से आने का टाइम हो गया है और मैं और मेरी नंद घर आ चुके हैं। तो हम मोबाइल रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम कोने पे मोबाइल रखेंगे ताकि आसिफ को पता ना चले कि यहाँ पर मोबाइल पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मोबाइल पड़ा होगा तो आसिफ की नज़र नहीं जाएगी। तो आसिफ आने वाला है, तो अभी फिर मैं और मेरी नंद हम दोनों अपना प्रैंक शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रहिएगा एंड तक। ठीक है, तो अगर आसिफ अभी आ जाते हैं तब हम स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे दोनों, क्यों? सब बचा है, अभी आसिफ आ गया है तो हम अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं। सही का ड्रामा करेंगे हम लोग। हेलो, कैसे आप? और ड्यूटी कैसी जा रही है? बस क्लास से। और आज जल्दी आ गए? हाँ जल्दी आ गए। चाय बनाइए। चाय बनाओ, सर में बहुत दर्द हो रही है यार, एक तो बसों में आना पड़ता है, बाइक भी। चाय अभी नहीं रखती मैं, पहले मैं अपने बर्तन धोलूं फिर मैं चाय रखूं। अभी नहीं रखती। क्यों भाई? क्योंकि अभी मैं पहले बर्तन धोऊंगी और फिर चाय रखूंगी, अभी मैं नहीं रखती। देखो ऐसे नहीं होता मुझे, आप पहले चाय रखो, दूसरे काम बाद में करें। पहले मैं भेज की धोऊंगी और फिर ही मैं चाय रखूंगी। मैंने कहा पहले चाय रखूं। आसिफ अभी ड्यूटी से आया, तुम पहले उसको चाय बना दो। ये किस तरह का बिहेवियर है? क्या हो गया? देखो तो सही जरा इसको, कोई तमीज ही नहीं है इसको, पता नहीं माँ बाप ने इसको तमीज ही नहीं सिखाई है। आप इसे जवाब कैसे देती है? पटर पटर बोलती जा रही है। मैंने तो खाना कटी, मैंने ये कोई कहा पहले चाय रखो, ये कोई कहा कि मैं चाय नहीं रखूं, मैं चाय रखूंगी मगर ठहर के। पहले चाय रखो। नहीं रख रही। दूसरा ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, चाय रखो। रखो चाय पहले। नहीं रख रही। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या मसला है यार? उसको थोड़ा से अक्ल दो, इसका दिमाग सही करो, इसको लगाओ तो नहीं देखती है मुंह पे, देखती तो होती है चाय ना। समझ जाओ यार क्या हो गया यार, इसको अक्ल नहीं है, मैं बड़ी हूँ, इसको तमीज नहीं है कि किस तरह बात करनी है, इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। अरे छोड़ो छोड़ो, बुलाओ इसके भाइयों को, नोनी को बुलाओ, एंटनी को बुलाओ, क्या बोलती है, तमीज ही नहीं सिखाई है इसको, ना माँ बाप ने सिखाई है, चाय रखने बुलाओ, बुलाओ यार, समझ जाओ, मुझे फोन दो, मैं इसके भाइयों को फोन करो, बुलाती हूँ। मैंने चाय रखने से बचाया, रखूंगी नहीं चाय, रखो तो धोऊंगी तो रखूंगी ना भाई, क्या हो गया, बस करो भाई। अरे बस करो भाई, नहीं मैं रखूंगी, मेरे मुंह में थप्पड़ है, ना नहीं बदतमीजी कर रही है, चाय नहीं रखनी, चाय नहीं रखनी है, तोड़ दूंगी सारे कप, तोड़ दूंगी, अल्लाह मैं तुम्हारे सारे कप तोड़ दूंगी, ये भी तोड़ दूंगी। अच्छा आपको क्या हो गया, आपको यार क्या कर रही है, बदतमीजी नहीं करे, मैंने कहा सब है, मैंने कहा मैं चाय रखूंगी, मैं देख की रखूंगी तो रखूंगी ना, तो पहले तो मैंने तुझे बोला है चाय रखना, फिर चाय क्यों नहीं रखती है? अरे भाई नहीं भाई, क्या हो गया, मैं तो पागल हो गया इधर आके यार, क्या बोल दिया तूने भाई? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मैं चाय रखती हूं, ला मैं खुद ही रख लेती हूं, देख की रखूंगी, देख
क्या हो गया यार? देखो ना, मैं जब भी आती हूँ इसका बिगड़ी नहीं अच्छा होता ना, इसको पानी देने की तमीज है ना, इसको ये पता कि किसी को ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। की? मैं नहीं मानता। मजा आया? ये बाजी में से मेरी बेटी पहले कभी हमारी लड़ाई की? जब मैंने प्रैंक किया ना तो फिर तुम्हें होश आ गए। लेकिन हमारा प्रैंक ऐसा था, आप सही घबरा गए ना बाजी में। कैसा लगा प्रैंक? अजीब काम करते हो यार, मैं तो डरा दोस्तों। इन्होंने बहुत जबरदस्त मेरे साथ प्रैंक किया और मेरे को तो डरा दिया इन दोनों ने। अच्छी आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बात तो सही है। मैं वाकई डर गया था, मतलब इन दोनों की लड़ाई होगी, कब शप तोड़ दी है, पता नहीं क्या होगा। आज तक हमारी लड़ाई नहीं हुई है, इसीलिए तो ज्यादा डर गया था मैं। पर अच्छा प्रैंक था और वाकई में दोनों ने डरा दिया मुझे। आपने ही कहा अच्छा, हमारे फ्रेंड्स को कैसा लगा ये वो बताइए। बिल्कुल, आपको कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये बाजी अब आपको दिखती रहेंगी, ये मुझसे बड़ी बहन है मेरी, ये हमारी टीम का हिस्सा है। हाँ, रियलिटी में ये मेरी मुझसे बड़ी बहन है मेरी। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल अच्छे से व्लॉग के साथ। ओके, बाय।